आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए सीए कुणाल कुमार जी, जोहो एक्सपर्ट। हेलो सर। तो सर आपका बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे दर्शकों की डिमांड थी, भैया जोहो है क्या? सारे अकाउंटेंट, सारे प्रोफेशनल टेलीविजी को छोड़कर जोहो पे जा रहे, जोहो पे शिफ्ट होते जा रहे। ये जोहो है क्या, ये कैसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? अगर हमने भी अपने सारे क्लाइंटों को जोहो पर ले गए तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आपके लिए बुलाया है सर को, जो कि एक्सपर्ट है। तो आपके व्याप पे सारे सवालों के जवाब मैं सर से पूछता रहूँगा। तो सर पहला सवाल तो यही है कि जोहो है क्या? इतने सारे अकाउंटेंट, अकाउंटिंग प्रोफेशनल सब टैली और बीजी को छोड़कर जोहो पे जा रहे हैं, ये जोहो है क्या भला? सबसे पहले तो कपिल जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। मैं देखता हूँ काफ़ी आप अपडेटेड रहते हैं जीएसटी के ऊपर और काफ़ी अपडेट्स डालते रहते हैं। तो जोहो सर एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हम टैली और बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसी तरीके का जोहो है, लेकिन ये टैली और बीजी से काफ़ी अलग है। ओके। अलग इस तरीके से है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये क्लाउड बेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सर ये क्लाउड बेस होता क्या है, क्या बादलों में जाके करनी है क्या अकाउंटिंग, कुछ क्या होता है नहीं, क्लाउड बेस का मतलब आपको बादलों में नहीं जाना सर। आप गूगल यूज करते होंगे, जीमेल। जी जी जी। तो जीमेल आप चाहे गोवा में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जयपुर में हो, जी वो ईमेल आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो एज अ बिजनेसमैन मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ। मुझे बार बार अपने सीए को फ़ोन नहीं करना पड़े कि मुझे बताओ कि मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या बैलेंस शीट है। तो क्लाउड बेस का मतलब है मैं उसे अपने आईफोन से, मैकबुक से, डेस्कटॉप से, कहीं पर भी हूँ मैं उसे, बस मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए और मैं उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे टैली और बीजी वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, इन जनरल हमने देखा है कि वो जिस कंप्यूटर पर होते हैं, जिस लैपटॉप पर होते हैं, वहीं पर उसका एक्सेस होता है। उसका अभी भी एक्सेस मोबाइल पर नहीं हुआ है, या हम कहीं पर अपने ऑफिस से छोड़कर चले गए तो हम कहते हैं यार डेटा तो ऑफिस में ही रह गया, डेटा देख के बताऊंगा, वैसे नहीं हम बता पाते। जैसे आपको अपने एक, मैं बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा, आपको जीएसटी फाइल करनी है 10 तारीख को, जीएसटी आर 3B फाइल करनी है 20 तारीख को, तो आप अपने सीए को टैली का डेटा भेजेंगे, फिर वो उससे जीएसटी आर 1 बनाएगा, 3B बनाएगा। तो इसका मतलब अभी भी हम पिछले ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं। राइट। जोहो में आप अपने अकाउंटेंट को लिंक कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी 1 और 3B एक क्लिक से फाइल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि जीएसटी के लिए भी ये बहुत मील का पत्थर साबित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, लेकिन सर मेरे को तो जोहो आता ही नहीं बिल्कुल भी, और हमारे बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिन्हें जोहो आता ही नहीं होगा, तो ये सीखे कैसे, टैली और बीजी से कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखो जोहो कोई बहुत ही मुश्किल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसे कोई भी, जिसको बेसिक बिल काटना, सेल, परचेज, इन सब की नॉलेज है, वो बेसिकली इसको बिल्कुल आसानी से चला सकता है। कोई ये बहुत ही हार्ड कोर सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कोडिंग की लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर। अच्छा, पाइथन वाली आप सोचें कि इसके अंदर कोडिंग चलेगी। मैंने तो कई जगह पर यह भी सुना है कि ये ना बीजी और टैली से भी आसान है। बिल्कुल आसान है सर, हालांकि कहीं जगह आप हो सकता है कि आपको एज अ सीए एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, लेकिन बेसिक डे टू डे अफेयर्स में आपको ये, आप सारी अकाउंटिंग एज अ यंग एंटरप्रेन्योर खुद ही अपनी अकाउंटिंग खुद संभाल सकते हैं, आपको किसी सीए के पास बेसिक अकाउंटिंग के लिए तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी हमने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोहो पे अकाउंटिंग शुरू कर दी, तो हमारे ना वेबिनार की सर पेमेंट आती रहती है। जैसे अभी अगर आपको बता दूं मैं कि हमारा जो वेबिनार है अभी वो 399 रुपए का है 15 जनवरी को। बिल्कुल। इसमें सर आप ही एक्सपर्ट है, सारी आप ही इसमें बताएंगे जो हो क्या है, सारी पूरा डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल। अब इसके 399 रुपीज ना लगभग 100 लोग दे देंगे। अब टेलीविजी में तो क्या होता है कि एक एक एंट्री करते रहो, एक एक एंट्री, लेकिन मैंने जोहो में देखा है हमारे जो अकाउंट्स वाले हैं वो सारा का सारा बैंक स्टेटमेंट एक ही साथ ले आते हैं और बस डालते रहते हैं कि वेबिनार वेबिनार हो जाती है सब कुछ। जोहो के अंदर क्या है सर, आपको एक एक एंट्री नहीं डालनी, आप अपने बैंक अकाउंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट। अगर आपके कुछ स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट है, HDFC हो गया, इसके अलावा और भी बैंक हैं जो आप जो की वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, अगर आप उनके साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप अपने साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी सारी बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन को यहाँ पर ऑटो फेच कर सकते हैं। ठीक है,
अदरवाइज और भी एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सारे ट्रेडिशनल ऑप्शन तो हैं ही, ठीक है। और इसके अलावा पेपरलेस अकाउंटिंग, जैसे आप टैली का एक एक खर्चे का बिल हो सकता है, अभी भी आप एक फिजिकल फाइल मेंटेन करते हो ऑफिस में और आपका एक पूरा स्टोर रूम भर गया हो फाइल से, राइट। लेकिन ज़ोहो के अंदर आपके कोई भी खर्चे हो रहे हैं तो आप उसे उस एंट्री के साथ ही अपलोड कर सकते हैं, अटैच कर दो और ऑडिटर आएगा तो खुद ही चेक कर लेगा, बात खत्म, अपने को कुछ नहीं। तो फिजिकल पेपरलेस ऑफिस आप इजीली चला सकते हैं। लेकिन सर मैं ज़ोहो सीखना तो चाहता हूँ, सिखाएगा कौन मुझे ज़ोहो? यूट्यूब पर वीडियो ही नहीं है ज़ोहो की, कोई टीचर ही नहीं। सर जब आपने इनिशिएटिव लिया है तो हम मिलके जरूर इस काम को कर सकते हैं। तो भाई हमने केजे क्लासेस ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अगर कोई ज़ोहो सीखना चाहता है तो हमने सर को पहले 2 घंटे के लिए बुलाया है। तो अगर आपको भी कई बार लगे कि क्या पता कल को कोई क्लाइंट आके कहने लगे अरे रामलाल भैया मेरे को ना अकाउंटिंग ज़ोहो पे करानी है, तो तुम कहोगे भाई ये ज़ोहो क्या है, तो ऐसा ना बोलो। तो इस वेबिनार को मैं आपको कहूँगा अटेंड जरूर कर लेना, जिसमें कि ज़ोहो के बारे में आपको सारा पता लग जाए। सर इसमें और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे यूजर्स को? देखिए ज़ोहो एक तरह से क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा मैंने पहले बोला जी। इसके अलावा भी बड़े सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, अकाउंटिंग ऑटोमेशन के लिए अगर आप देख रहे हो जी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक स्टेटमेंट में आपका जोमैटो लिखा आ रहा है, राइट, और आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली फूड एक्सपेंस में डेबिट हो जाए, राइट, तो आप ज़ोहो के अंदर ये सारे फीचर्स कर सकते हो। आप उसके अंदर रूल सेट कर सकते हो कि अगर वो बैंक स्टेटमेंट में मेरे ओला उबर लिखा आ रहा है, हाँ, तो आप उस सॉफ्टवेयर को कह सकते हो कि आप इस सब अमाउंट को ट्रेवल एक्सपेंस में डेबिट कर दो। आपको अकाउंटेंट को डेबिट, अकाउंटेंट को बैठ के बस उसको मैं एक बटन दबाना है, सारा काम सॉफ्टवेयर खुद करेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं ज़ोहो पे अकाउंटिंग करता हूं तो वहां पर वो पूछता है रूल बना दो ट्रांजेक्शन का, उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन का रूल बनाना। तो जैसे ही मैंने ट्रांजेक्शन का रूल बना दिया कि भाई ये 299 रुपए की जो पेमेंट है ये वेबिनार की आती है, तो वो जब भी 299 रुपए आपके अकाउंट में आएगा वो तुमसे कह देगा मेरे को तो ये वेबिनार की पेमेंट लग रही है, बिल्कुल वो वेबिनार की पेमेंट में ले जाएगा। जैसे सर ने बताया जहां पर भी लिखा आ रहा होगा ओला उबर, तो आप एक रूल बना दो कि जिस भी नरेशन में लिखा हुआ आ जाए ओला उबर इसे ट्रेवलिंग में ले जा, जहां पर भी लिखा हुआ आ जाए BSES इसे इलेक्ट्रिसिटी में ले जा, तो ये अकाउंटिंग को बहुत इजी कर देगा। ये एडवांस एक तरह से नेक्स्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ हम अपना दिमाग वहीं लगाएं जो कॉम्प्लेक्स एरिया हो, बाकी सारा काम कंप्यूटर को करने दें। और ये खुद ब खुद बैलेंस शीट और P&L वो तो टेलीबीजी भी बना देते हैं, लेकिन ये और अच्छे तरीके से बना देता है। बिल्कुल, 1 महीने का देखना चाहो 1 महीने का, 3 महीने का देखना चाहो 3 महीने का, ये सारी चीजें वो कर देता है सर। और मेरे हिसाब से जैसे हमारा एक सपना हुआ करता था सर अकाउंटिंग करने का, कि यार अपने को ना SAP पर अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना, बड़े सॉफ्टवेयर पे करनी है जिसपे गलती हो ही ना, ये सॉफ्टवेयर इतने इंटेलिजेंट होते हैं गलती करने ही नहीं देते, तो ऐसा भी कुछ है क्या इसके अंदर? इसको आप कह सकते हैं कि ये SAP है फॉर स्मॉल बिजनेस, ओके, क्योंकि बड़े स्मॉल बिजनेस बड़े-बड़े SAP अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। तो उन सारे बिजनेस के लिए ये कह सकते हैं कि मिनी SAP है फॉर स्मॉल और ग्रोइंग बिजनेसेस, ओके, तो ये उस तरीके से काम करता है। और ज़ोहो का अपना एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक इकोसिस्टम का मतलब आप ज़ोहो बुक्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है कई यूजर आपके ऑफिस में ऑलरेडी ज़ोहो CRM यूज कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कई ऑफिसेज के अंदर ज़ोहो पीपल यूज हो रहा हो, कई ऑफिसेज में ज़ोहो पेरोल यूज हो रहा हो, तो अब उन सबको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एक इकोसिस्टम में आ सकते हो। जैसे आप एप्पल का फोन खरीदते हो, एप्पल की वॉच खरीदते हो, एप्पल का लैपटॉप खरीदते हो, तो सब जैसे आप एक सेकंड लगता है आपस में चीजों को कनेक्ट करने में, ठीक उसी तरीके से ये ज़ोहो का इकोसिस्टम है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज को समझो, जैसे हम पे ना 50,000 लोगों का डेटा है, तो हम ज़ोहो CRM यूज कर रहे हैं, तो हम उसे आपस में कनेक्ट कर देते हैं ज़ोहो CRM से ज़ोहो अकाउंटिंग। और आप इस चीज को और अच्छे से समझो, अच्छा सर ये महंगा भी बहुत होगा फिर, मैंने तो वैसे फ्री में लिया हुआ है। देखो जितने भी कई ऐसे हैं स्मॉल बिजनेसेस जी जी, अगर आपकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम है तो आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री यूज कर सकते हो। ओके, अगर कई आपके ऐसे यूजर हैं जिनको लग रहा है कि हम अभी इसके लिए पे नहीं करना चाहते, तो फ्री में जाएं अपना अकाउंट क्रिएट करें और अकाउंट क्रिएट करके इनवॉइस बनाना शुरू करें और उनको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली किसी भी तरह। तो आप इस वेबिनार में सर हमें सिखाओगे फ्री में कैसे यूज करें सारा? बिल्कुल बिल्कुल सर। और क्या क्या सिखाओगे सर इस वेबिनार में, हमें ये भी बता दो। इस वेबिनार में हम कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा ज़ोहो बुक्स का डैशबोर्ड, पूरा सेल परचेज, सारे मॉड्यूल्स जितने भी हैं ज़ोहो बुक्स के, एक एक मॉड्यूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे
कि सेल के बिल कैसे चढ़ाए जाते हैं, परचेज कैसे हुआ है, वर्क फ्लो सिस्टम कैसे निकलता है, जीएसटी कैसे उसके अंदर आप पुश कर सकते हो, लाइव सिखाएंगे सारा जोहो पे, लाइव हम एकदम देखेंगे बिल्कुल सर। तो आप इस बात का याद रखना, भूल मत जाना, ये जोहो का सेशन जरूर अटेंड कर लेना अगर एक क्लाइंट भी जोहो का आ गया। सर फीस ये ज्यादा देते हैं जोहो वाले जो क्लाइंट होते हैं या कैसे? सर देखिए बिल्कुल ज्यादा देते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में जोहो के ना ही ट्रेनर एक्सपर्ट अभी अवेलेबल इतने मार्केट में नहीं है। जी जी। तो अभी इतने, क्योंकि डिमांड तो है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक आपके लिए एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला एरिया है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, टैली भी जी आप महारत हो गई है, आपकी एक्सपर्ट हो गई हो, अब नए सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करो, जोहो पे करो। अच्छा मैंने सुना जोहो पे अगर मैंने काम कर लिया तो इसकी फॉरन में भी डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे दुबई वगैरह में। बुक्स का इंडिया में तो बिजनेस है ही है, प्लस इंडिया के बाहर यूएस में भी इसका काफी मार्केट है। ओके। तो अगर आप ऑफशोर अकाउंटिंग जैसे बिजनेसेस देख रहे हैं कि इंडिया के बाहर हम आउटसोर्स करें वर्क, इंडिया के बाहर का काम यहाँ पर लाके करें और डॉलर्स में कमाएं। ओके। तो डेफिनेटली आपको तो आना ही चाहिए। तो भाई देखो अब अगर आप चाहते हो ना डॉलर्स में इनकम कमाना, ठीक है ना, तो आपको जोहो को थोड़ा सीखना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। टेलीविजी क्या सीख लिया, यूट्यूब पर बहुत कुछ है, लेकिन जोहो अभी नहीं सीखा है तो इसे सीख लो। सर इस वीडियो में और कुछ संदेश देना चाहे आप हमारे यूजर्स को? सर लास्ट संदेश यही है कि जितने भी आपके लोग हैं, आपके जितने भी कम्युनिटी हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि वेबिनार में आएँ, अटेंड करें और एक नए सॉफ्टवेयर को एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल। तो आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, जोहो के बारे में थोड़ा सा पता लग गया होगा। जोहो इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कहीं से भी बैठकर अकाउंटिंग करें। और मजे की बात सर इसमें एक चीज़ मैंने और देखी है, इसमें ना परफेक्ट अकाउंटेंट नहीं चाहिए। इसमें अगर कोई बीए करके आया हुआ है, इसमें अगर कोई बीएससी करके आया हुआ है, उसे बता दे भाई रामलाल तेरे को ये एंट्री आ डालनी है। अगर कोई भी 11th 12th का कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी कोई ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। तो इसमें ना ये बहुत है कि आपको ज्यादा जरूरी नहीं है कि कॉमर्स की एक्सपर्ट नॉलेज हो, आपको जनरल एंट्री वाला कंसेप्ट आता हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये ना सिंपल अकाउंटिंग बेस पे भी चलता है। बिल्कुल। तो सभी आपके सब्सक्राइबर्स को मैं यही कहूंगा कि वेबिनार में मिलते हैं हम। वेबिनार का सर टाइम और डेट एक बार आप फिर से बता दीजिए। 15 जनवरी 2023 को 11 से 1 बजे तक संडे को हम ये सेशन करेंगे। दिल्ली एनसीआर वाले फिजिकल भी आ सकते हैं, अदरवाइज ये ऑनलाइन रहेगी। बार बार हमें वेबिनार में पैसे देकर परेशान हो चुके हो तो हम आपके लिए लाए हैं कंप्लीट पैकेज, पूरे साल का पैकेज है। पूरे साल में ना सर कसम खाई है इस बार कि कम से कम 40-50 वेबिनार करके दे देंगे। तो अगर पूरे साल का पैकेज लेना चाहते हो तो पूरे साल का पैकेज ले लो। डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार करते रहेंगे, आरओसी पे करेंगे, इनकम टैक्स पे करेंगे, बजट पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, जोहो पे करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इस साल का आपका पहला वेबिनार होने वाला है? नहीं, ये हमारा दूसरा वेबिनार है अभी। हाँ, धमाकेदार हमारा ये पहला वेबिनार होने वाला, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे। तो मिलते हैं आपको संडे को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जो भी जोहो को देखना सुनना चाहता है। हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।